आपको बता दें कि लांजी जनपद क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 निवासी एक वृद्ध महिला सलोचना महोबिया पति स्वर्गीय ईश्वरी महोबिया 38 वर्ष द्वारा आज मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर की जनसुनवाई में आगामी 26 जनवरी को आत्मदाह की चेतावनी दी है। बता दें आत्मदाह किए जाने की बात कहते हुए अपने पत्र में सलोचना महोबिया ने बताया कि लांजी सिविल अस्पताल के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स में उनके पति स्वर्गीय ईश्वरी महोबिया को लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय पहले एक कमरा व्यवसाय करने के लिए मिला था, जिसका संचालन लगातार उनके द्वारा किया जा रहा था तथा पति की मृत्यु के पश्चात अपने देवर लक्ष्मी नारायण महोबिया को संचालन हेतु दिया गया था, परंतु कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु होने के पश्चात उनकी धर्मपत्नी शिवांगी महोबिया द्वारा सेवा करने तथा आर्थिक मदद का झांसा देकर उक्त व्यवसायिक कमरे को नहीं लौटाया जा रहा है और मेरा स्वास्थ्य खराब होने पर भी आज तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है, जिससे मेरी तंगहाली में जीवन गुजारना विवश हो गया है। साथ ही स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस द्वारा भी आज तक इस मामले में कोई सहयोग नहीं किया जाने से आज हताश होकर कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में न्याय की आस लेकर पहुंची है और यहां से भी न्याय मिलने पर आगामी 26 जनवरी को मेरे द्वारा अपनी ही दुकान के सामने आत्मदाह किए जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शिवांगी महोबिया एवं शासन प्रशासन की होगी। हम यहाँ जो है लांजी कमरा नंबर 27 जो कब्जे करके बैठे हुए शिवांगी महोबिया, उस संबंध में यहाँ आए हैं और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन सौंपा हुआ है। क्या क्या परेशानी हो रही है आपको, कहाँ शिकायत की? इसकी शिकायत हम पुलिस थाने में किए, लांजी में जनपद में किए हैं और तहसील ऑफिस में भी किए। अच्छा, तो कोई सुनवाई हो रही है? कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, इस कारण से हम यहाँ आ जाए। तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? यदि 25 जनवरी तक यदि हमको हमारा हक नहीं मिलता तो 26 जनवरी को सासू माँ के द्वारा आत्मदाह कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी पूरी जवाबदारी जो है वो लांजी पुलिस जनपद तहसील और कलेक्टर महोदय की। शिवानी महोदय मेरी दुकान में कब्जा करके बैठी है, खाली नहीं कर रही है, किराया भी नहीं दे रही है और अब 25 तारीख तक नहीं देंगे दुकान तो खाली नहीं करेंगे तो मैं वहीं मर जाऊंगी कुछ भी कर। अच्छा, ये बताइए क्या परेशान, कहाँ कहाँ इसके पहले शिकायत किया? जनपद में करे, तहसील में करे, थाना में, सभी जगह करके हताश खा के आ गया। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, चलिए, तो फिर यदि नहीं अभी फिर भी सुनवाई नहीं होती तो क्या करोगे? अब मर जाऊंगी, क्या करूंगी, अब बहुत हो गया। और उनके रिश्तेदार जो उसके पति के भाई माने उनका देवर देवर लगते हैं, तो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वो कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी आ गया था। कलेक्टर साहब के पास भी गए हुए थे तो कलेक्टर साहब ने उचित कार्रवाई के लिए उनको पुलिस अधीक्षक को फोन भी किए और तत्काल निराकरण करने के लिए उनको आदेशित किए हैं। तो संभवतः कोई पुलिस को भेज के इसका निराकरण जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। और उनका कहना यह था कि मैं मेरा काम नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, ऐसी टाइप का बताया साहब के साथ, लेकिन वो अस्वस्थ हो गई है, वो ऐसी नंबर नहीं आएगी, उनका काम चालू हो गया।